तकरीबन बड़ा ऐलान वीडियो के आखिर में जरूर देखें। मैम के मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बड़ी खबर आ गया दिल्ली दंगे को लेकर के। जी हाँ, जो एक नाम ताहिर हुसैन ने वो पोल खोल दिया है जिसकी हम पहले से दावा कर रहे थे, और वो पोल है जी हाँ साहब, नाम है अरविंद केजरीवाल। आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का जो ये पार्षद था और जब ये दंगे में शामिल हुआ था, उसके बाद एकाएक इसका गायब हो जाना, और उसके बाद वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का मातुल्ला खान का ऐसा बयान आना, जबकि मुसलमान होने के नाते ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा। लेकिन आज जो रिपोर्ट, जो ताहिर हुसैन का कबूलनामा है, उसमें साफ तौर पर बात खुलकर सामने आ गई है। लिए चलता हूं खबर की तरफ। खबर लंबी है, थोड़ा सा पूरी कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, क्योंकि पूरी रिपोर्ट्स एक्चुअल क्या हुआ वो सब कुछ यहां पर आपके सामने समझ में आ जाएगा। नई दिल्ली दंगा मामले में अब तक जो बड़ा खुलासा हुआ, उसमें ताहिर हुसैन ने दिल्ली पुलिस के सामने हिंसा मास्टरमाइंड होने के बाद कबूल लिया है। इसके पास आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद जो हैं, और हमारे पास जो है वो आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के इंट्रोगेशन रिपोर्ट है। ताहिर हुसैन के कबूलनामे के मुताबिक उसने दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। ताहिर हुसैन ने अपने कबूलनामे में बताया कि 2017 में आम आदमी पार्टी का वो पार्षद बना था, और तब से ही उसने अपने मन में उसके था कि राजनीतिक और पैसे को बदलत हिंदुओं को सबक सिखा सकता है। ताहिर हुसैन ने कहा, मेरे जानकार खालिद सैफी ने कहा कि तुम्हारे पास राजनीतिक पावर है और पैसा दोनों है, जिसका इस्तेमाल करके हिंदुओं के खिलाफ कौम के लिए करेंगे। मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद खालिद सैफी ने मेरे पास फोन किया और बोला, इस बार आप हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बीच राम मंदिर पर भी फैसला आ गया और CA कानून भी बन गया, तो मुझे लगा पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब तो कुछ कदम उठाना पड़ेगा। ये है कबूलनामा, लेकिन अभी बहुत कुछ है इसमें बाकी। अब आप खुद सुनिए, क्या देश का मुसलमान आज आतंकवादी बन चुका है? 370 खत्म कहां हुआ था? भारत के लिए अच्छा था, राम मंदिर बना, उसके अलावा CA किसके लिए आया था? भारतवासियों के लिए आया था, तो आग क्यों लगी? ताहिर हुसैन ने आगे बताया कि 8 जनवरी को खालिद सैफी ने मुझे JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद से शाहीन बाग में PFI के दफ्तर में मिला था, जहां उमर खालिद ने बोला कि वह मरने मारने को राजी है, वह अपनी कौम के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं खालिद सैफी ने कहा कि वह PFI का सदस्य दानिश है, जो हिंदुओं के खिलाफ जंग में PFI हमारी फाइनेंशियल पूरी मदद करेगा। उसके बाद एक के बाद एक पोल खुलने लगे। ताहिर हुसैन ने कहा कि PFI के दफ्तर में हमने प्लान बनाया कि दिल्ली में कुछ भी ऐसा करेंगे या सरकार हिला देंगे, और सरकार CA विरोध कानून वापस लेने पर हम मजबूर कर देंगे। खालिद सैफी का काम लोगों को भड़का कर सड़कों पर उतारने का था, और वही मुझे टास्क दिया गया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा कांच की बोतलें, पेट्रोल, तेजा, पत्थर इकट्ठा करके घर पर छत पर रख लूं। ताहिर ने बताया, खालिद सैफी ने अपने जानकारों की मदद से लोगों को सड़कों पर इकट्ठा कर धरने प्रदर्शन के लिए तैयार किया था। खालिद सैफी ने अपने दोस्त इस तरह जहां के साथ मिलकर सबसे पहले शाहीन बाग की तर्ज पर खुर्जे में धरना, अंग्रेजी में धरना प्रदर्शन शुरू कराया था, फिर जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अब क्या थी दंगों की प्लानिंग, बता दूं, ताहिर हुसैन ने खुलासा किया कि 4 फरवरी को अबू फजल एनक्लेव में मेरी खालिद सैफी के दंगों की प्लानिंग को लेकर मुलाकात हुई थी। उमर खालिद ने कहा कि पैसों की चिंता ना करें, उसके लिए PFI, जामिया कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, कई राजनीतिक लोगों, वकील और अन्य मुस्लिम संगठनों से हमारी मदद कर रहे हैं, ताकि किया गया कि CA विरोधी धरने पर बैठे लोग को भड़काकर चक्का जाम करवाया जाए। ताहिर ने बताया कि अगर पुलिस या दूसरे धर्म के लोग इसको रोकेंगे तो हम आप अपने लोगों को भड़काकर दंगे करवा देंगे। खालिद सैफी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के वक्त कुछ बड़ा करना होगा, ताकि सरकार जो है वो घुटने टेक सके। ताहिर ने कहा कि उसने मैंने अपनी तैयारी के बारे में बताया कि मैं कबाड़ी से शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जो है लेकर छत पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
घर के पास चल रही कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थर इकट्ठा कर छत पर रखवा दिया है। अपनी चारों गाड़ियों में फुल पेट्रोल डीजल भर कर ले आऊंगा ताकि बोतल में पेट्रोल भरकर पंप बनाने वक्त उसे इस्तेमाल किया जा सके। मैं अपने मजदूरों को तैयार कर रहा हूँ दंगों में बम फेंकने और पथराव करने के लिए। ताहिर हुसैन ने यह भी कबूला कि 17 फरवरी 2020 को उमर खालिद ने ट्रंप की विजिट के दौरान वह लोगों को सड़कों पर उतरने की अपील की थी। मुझे तेजाब भी इकट्ठा करने को कहा गया था ताकि उसे पुलिस पर फेंका जा सके। मैंने अपनी छत पर बहुत मात्रा में तेजाब डीजल पत्थरों को भी इकट्ठा कर लिया था। मैंने अपने पिस्टल में जो थाने में जमा थी उसे भी दंगों में इस्तेमाल करके उसे छुड़वा लिया था। ताहिर ने बताया कि 24 फरवरी की योजना के मुताबिक मैंने पहले अपने घर की छत पर पड़ोसी चांद बाग में रहने वाले 68 कयूम मोनू और अपने दफ्तर में पास रहने वाले गुलफाम जिसके पास अपनी पिस्टल भी थी सरद अहमद हाजी मूंगा नगर के लियाकत अली और उसके बेटे रसाद अली दयालपुर के मोहम्मद रियान अरसद और अपने यहाँ काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन मोहम्मद आबिन अकाउंटेंट और मोहम्मद सादाब रासिफ सैफी अपने भाई शाह आलम को बुला रखा था। यह बताया कि था कि कैसे और कब पत्थर और पेट्रोल बम और जो बोतलों से तेजाब भरकर छत से नीचे फेंकना है ये सब कुछ बताया गया था। ताहिर ने यह भी बताया कि ये सब इस्तेमाल केवल पुलिस वालों के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे समुदाय के खिलाफ हमें करना था। अपने समुदाय के लोगों को महिलाओं बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और 24 फरवरी 2020 को दिन में करीब 1:30 बजे हम खूब पत्थरबाजी कर आगजनी कार्रवाई शुरू कर दी। जानबूझकर मैंने अपने घर की छत पर लगे सीसीटीवी के तार को कटवा दिए थे ताकि कोई सबूत न रह जाए। मैंने अपने बच्चे परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था खुद भी दूसरी जगह था और खालिद सैफी के कहने पर जानबूझकर पुलिस को बार बार फोन कर रहा था ताकि मुझ पर कोई शक नहीं जाए। ताहिर ने बताया कि मैंने मेरे भाई शाह आलम और एक अन्य जो है वो मेरी छत पे फायरिंग भी की थी फिर अलग अलग जगह छुपता रहा। बाद में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था। मैंने खालिद सैफी और उमर खालिद ने अपने जानकारों के साथ मिलकर दंगों की साजिश रची और मैंने बता दूं उसमें बताया कि दिल्ली पुलिस ने 10 मामले उसमें आरोपी हैं 10 मामले में आरोपी है। फिलहाल जेल में खालिद सैफी भी बंद है। उमर खालिद कल ही दिल्ली पुलिस के दंगों को लेकर कड़ी पूछताछ की है और उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। हमें बता दूं 25 फरवरी को दिल्ली में चांद बाग इलाके में आईपी अंकित शर्मा के हत्याकांड में पुलिस ने क्राइम ब्रांच में चार्जशीट दाखिल कर दी और क्राइम ब्रांच ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है और चार्जशीट के क्राइम ब्रांच का अंकित शर्मा के खजूरी वाले इलाके में पर्वता की हत्या के बारे में इसमें है। पुलिस का यहाँ दावा किया गया है कि उसके पास प्रूफ है कि कुछ लाश नाले में फेंक रहे थे। डॉक्टर पाया गया तेज धार वाले हथियारों पर कौन बार 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 निशान उनको निशान है ताकि वहाँ चांद मिर्च की भीड़ को वहाँ पर उकसाया जा सके। अब ताहिर की याचिका कड़कड़ डूमा देव ने फिलहाल खारिज कर दी थी। मैं आपको बता दूँ ये सारा जो प्रकरण हुआ है इसमें सबसे बड़ा नाम मैं बता दूँ अमातुल्ला खान। ताहिर हुसैन को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसने कहा था कि पूरा दिल्ली दंगों का जो पूरा का षड्यंत्र है वो अब मुसलमान होने के नाते ताहिर हुसैन पर फोड़ दिया जाएगा। अब समझिए कि आखिर इसके पीछे का सच आखिर क्यों बचा रहा था अमातुल्ला खान इस आप पार्षद को। आप खुद समझिए कि आखिर क्यों बचा रहा था। इस तरह से सबसे बड़ा है इसका जवाब को कहीं नहीं अब केजरीवाल को देना चाहिए। वीडियो खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बने रहो इन्फॉर्मेशन के साथ और इस प्रमोट के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली न्यूज ग्रुप में आप सभी का जो हम एक कंपेनिंग लेकर आए हैं इस कंपनी में इस 5 अगस्त को हम सब मनाएंगे दिवाली क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम को जो हमारे पूरे 130 करोड़ देशवासियों के इष्ट देवता है। जी हाँ साहब 130 करोड़ देशवासियों में हमें पता है 110 करोड़ हिंदू है लेकिन सबके इष्ट देव भगवान श्री राम है ये चाहे कोई माने या ना माने 110 करोड़ तो मानते हैं। तो इस 5 अगस्त को भगवान राम के जन्मभूमि पर वहां पर होगा शिलान्यास और प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास और प्रधानमंत्री मोदी उसका शिलान्यास करेंगे। तो इस 5 अगस्त को हम सबको मनानी है दिवाली। जी हाँ अब की बार भगवान राम का आगमन उनके रियल लाइफ में तो
2014 वर्ष में हुआ था।